इस सरकार को कोई अधिकार नहीं कि कॉलेज टेलीफोन और इंटरनेट बंद कर दे इसे मैं मानता हूं कि यह भारत की आत्मा की बेज्जती है यह मैं नहीं कह रहा यह राहुल गांधी जी ने 19 दिसंबर 2019 को ट्वीट करके लिखा है दिस गवर्नमेंट हैज नो राइट शटडाउन कॉलेजेस टेलीफोन एंड इंटरनेट टू डू सो इज एन इंसल्ट टू इंडिया सोल राजस्थान में पिछले एक महीने में चार बार इंटरनेट बंद करा गया बार बार कांग्रेस के अधिवक्ता और कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है सबका ध्यान आकर्षित करती है जम्मू कश्मीर की तरफ और उंगली उठाती है भारत सरकार के ऊपर कि वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है इंटरनेट को बंद करा जा रहा है लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है क्या राजस्थान में आतंकी की घटनाएं हो रही हैं जो पिछले एक महीने के अंदर चार बार इंटरनेट बंद करा गया मैं आपको आंकड़ा देता हूं जम्मू कश्मीर के अंदर 315 बार इंटरनेट बंद हुआ पिछले 10 साल के अंदर राजस्थान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर 78 बार इंटरनेट बंद हुआ दूसरे स्थान पर है राजस्थान और कारण जम्मू कश्मीर में तो आतंकी घटनाएं हो रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आतंक के खतरे से ऊपर युवाओं की परीक्षा का खतरा मानती है इस कांग्रेस पार्टी फील्स दैट टेररिज्म इज नॉट सो ड्रेडेड और सो डेंजरस बट एग्जामिनेशन ऑफ यूथ इज मच मोर डेंजरस देन टेररिज्म तो इसलिए इंटरनेट बंद कर देती है इस तरह के दोहरे मापदंड मैंने किसी एक व्यक्ति में आज तक नहीं देखे या उस व्यक्ति से चलने वाली किसी पार्टी में नहीं देखे जितने कांग्रेस में है बाकी राज्यों में भी इम्तिहान होता है एग्जामिनेशंस होते हैं यूपी उससे भी बड़ा है राजस्थान से बड़ा है साइज में बिहार है मध्य प्रदेश है लेकिन वहां इंटरनेट बंद नहीं करा जाता यह अपनी जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की वो अपने कंधे से उतार कर जनता के ऊपर डालने वाली बात है कि कानून व्यवस्था के ऊपर किसके पास समय है राजस्थान सरकार में ध्यान देने का उनको अपनी सत्ता की पड़ी है अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी है अपनी अंदरूनी लड़ाई की पड़ी है इसलिए एक सरल सोल्यूशन निकाला जाए कि इंटरनेट बंद कर दो और इंटरनेट बंद करने से क्या हो रहा है आपकी सारा का सारा व्यापार ठप हो रहा है आपकी मेडिकल सुविधाएं जो इंटरनेट पर है वो बंद हो रही हैं बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनका काम पूरा का पूरा ठप हो जाता है बैंकिंग सर्विसेज है पैसे का ट्रांसफर है बुकिंग्स हैं रेल यात्रा यातायात हो या हवाई यात्रा यात्रा हो सारा का सारा काम ठप हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि राजस्थान में सरकार की जिम्मेदारी वाली जो पार्टी है वो अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है दूसरे राज्यों से सीखना नहीं चाहते कि दूसरे राज्यों के अंदर किस तरह से इम्तिहान हो रहा है मैं आपको दूसरे राज्यों के आंकड़े देता हूं कि 10 साल के अंदर यूपी में मात्र उन, 29 बार इंटरनेट बंद हुआ है 10 साल में हरियाणा में मात्र 17 बार इंटरनेट बंद हुआ है पश्चिम बंगाल में तेरह बार गुजरात में दस बार बिहार और महाराष्ट्र में सिर्फ ग्यारह बार लेकिन राजस्थान के अंदर सेवेंटी एट टाइम्स इंटरनेट बंद हुआ है और आठ सौ यूपी में मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं यूपी में दस साल के दौरान मात्र ट्वेंटी नाइन टाइम्स इंटरनेट बंद हुआ है हरियाणा में मात्र सत्रह बार इंटरनेट बंद हुआ है पश्चिम बंगाल में तेरह, गुजरात में दस बिहार महाराष्ट्र में ग्यारह एमपी और मेघालय में आठ अरुणाचल मणिपुर में छह और उड़ीसा पंजाब दिल्ली तेलंगाना आसाम नागालैंड चंडीगढ़ कर्नाटक तमिलनाडु झारखंड में तीन दिन दस साल में तीन दिन इंटरनेट बंद हुआ है लेकिन राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार बताए कि किस तरह की आतंकी घटनाएं हो रही हैं कि उनको 78 बार इंटरनेट बंद करने की जरूरत पड़ी वहां आतंकी घटनाएं नहीं हो रही हैं वहां सिर्फ युवा इम्तिहान देने जा रहे हैं और राजस्थान सरकार कहती है कि हम ये इंटरनेट बंद कर रहे हैं ताकि पेपर लीक ना हो इम्तिहान में नकल ना हो लेकिन पिछले डेढ़ साल के अंदर जो पांच इम्तिहान हुए उन पांचों के अंदर बड़े पैमाने पर पे नकल हुई है बड़े पैमाने पर पे पेपर लीक हुआ है और अगर आप अखबार की कटिंग्स को देखें तो आप देखेंगे कि कितने अधिकारियों को कितने लोग जो अलग अलग जिम्मेदारियों के ऊपर हैं सरकार के या सरकार के इंडायरेक्टली कितने लोगों को वहां बर्खास्त करा गया है बीस से ज्यादा लोगों को तो पिछले इम्तिहान के अंदर बर्खास्त करा गया है वहां पर आप पेपर अखबार की माने तो कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत बताते हैं कांग्रेस पार्टी के तो पेपर लीक का बहाना या इम्तिहान सही तरह हो उसके बहाने के के चक्कर में राजस्थान के अंदर बार बार इंटरनेट बंद हो जाता है क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पे असर हो जाता है डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट ऑनलाइन रिपोर्ट्स कुछ कुछ भी किसी भी चीज पे काम नहीं हो पाता यहां तक कि मैं आपको बतलाऊं कि राजस्थान के अंदर अब जो जिम्मेदारी दी जा रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो अलग अलग राज्यों में जो जिम्मेदारी दी जा रही है उससे एक अलग मिसगवर्नेंस शुरू हो गई है डेंगू फैलता जा रहा है पूरे राजस्थान के अंदर हजारों की तादाद में मृत्यु हो रही है लेकिन वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्हें गुजरात की जिम्मेदारी दी है वो दफ्तर तक नहीं आ रहे वो स्वास्थ्य के ऊपर जो बैठकें होती हैं उसमें हिस्सा नहीं ले रहे स्वास्थ्य के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है एक और मंत्री है वहां पर जिनको पंजाब की जिम्मेदारी दी है सुनते हैं वो पिछले एक महीने में मात्र दो बार अपने दफ्तर आए हैं फाइलों का अंबार उनके घर पर इकट्ठा हो गया लेकिन उस पर दस्तखत नहीं हो रहे और भी अलग अलग मंत्री है जिनको जिम्मेदारी दी गई है अब ये क्या ये भी इनकी अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा है कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई खींचतान जो चल रही है जिसमें एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ हाईकमान से खींचतान हो रही है तो क्या यह भी उसी के कारण है लेकिन दिक्कत हमें यहां है हमें कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है उसकी दिक्कत नहीं है उसकी चिंता नहीं है हमें चिंता इस बात की है कि इनकी अंदरूनी जद्दोजहद में इनकी अंदरूनी पोजिशनिंग के अंदर खींचतान के अंदर राजस्थान की जनता को पीड़ा सहनी पड़ रही है चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे वो कोई भी विभाग हो इन सभी कामों के अंदर राजस्थान की जनता को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और आज जो 800 करोड़ रुपए का व्यापार के अंदर जो नुकसान हुआ है इंटरनेट बंद होने से यह मात्र एक महीने के अंदर पिछले एक महीने में जैसे मैंने आपको कहा कि चार बार इंटरनेट बंद हुआ है और अब एक और एक और इम्तिहान होने वाला है आर एस का प्रि, प्रिलिमिनरी परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी इंटरनेट बंद करने की राजस्थान में तैयारी हो गई है 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पिछले चार महीने के अंदर ये जो इंटरनेट बंद हुआ है और ना जाने और किस तरह की तकलीफें हुई होंगी लोगों को जो ऑब्जेक्टिवली यहाँ पर हम आपके सामने नहीं रख सकते लेकिन आप जानते हैं कि आज के समय जहाँ इंटरनेट हवा और पानी की तरह है कितनी सारी जो सुविधाएं हैं वो इंटरनेट के ऊपर बेस्ड रहती है कितना काम इंटरनेट पर बेस्ड रहता है ये दोहरे मापदंड आप तक हम पहुंचाना चाहते थे इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपको यहाँ आकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कवर करने के लिए आग्रह करा आप सबको धन्यवाद देता हूं मैं